दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सब्जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत में तो खूब खाई जाती है, लेकिन दुनिया वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी सब्जियां हैं जिसका नाम सुनते ही लोग मुंह बना लेते हैं या फिर खाने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तरह तरह की सब्जियां पसंद आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भले ही लोग भारत में बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। हम जिस सब्जी की बात कर रहे हैं वह बैगन है, जो अक्सर आलू के साथ मिलाकर बनाया जाता है। आलू बैगन की सब्जी केवल भारत में ही पसंद की जाती है, ऐसा हम नहीं टेस्ट एटलस की रिपोर्ट कहती है, जिसकी सबसे खराब रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ का पता लगाने के लिए इस तरह के सर्वेक्षण को आयोजित किया गया और फिर एक लिस्ट तैयार की गई है। आमतौर पर भारतीय खानों को पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन आलू बैगन को लोगों ने बेहद ही खराब रेटिंग दी है। इस रेटिंग के तहत सबसे खराब रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ की एक लंबी सूची तैयार की गई, जिसमें आलू बैगन की सब्जी भी शामिल है, जिसे 60वें नंबर पर रखा गया है और इसे 5 में से मात्र 2.7 रेटिंग मिले हैं। अगर टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जिसे वर्स्ट रेटेड फूड को अपने लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें पहला नाम आइसलैंड की डिश हकार्ल का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका के रेमन बर्गर को रखा गया है। इजराइल के येशु शलमी कुगेल को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में भारत की केवल एक ही डिश को शामिल किया गया है, जिसमें आलू बैगन की सब्जी शामिल है। यह लिस्ट तैयार करने के बाद उन लोगों को फायदा होगा जो दुनिया भर में घूमने में रुचि रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इससे यह तय कर पाएंगे कि उन्हें कहाँ जाकर कौन सी डिश नहीं खानी चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।